रतनपुर। नवरात्रि की नवमी पर गुरुवार को रतनपुर माँ महामाया मंदिर में माँ महामाया का रास्ते श्रृंगार किया गया। नवरात्रि की नवमी तिथि पर गुरुवार को सुबह 5:30 में रास्ते श्रृंगार के बाद मंदिर का पट खोला गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि की नवमी तिथि को माँ महामाया देवी की रानी हार, कंठ हार, मोहर हार, ढा, चंद्र हार, पटिया समेत 9 प्रकार के हार, करधन, नथ धारण कराई गई। रात्रि श्रृंगार के बाद माँ महामाया की महाआरती हुई। पूजा अर्चना के बाद माँ को रात्रि नैवेद्य समर्पित किया गया। मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि आज सुबह शचंडी यज्ञ का पूर्ण आहुति की जाएगी। उसके बाद आज दोपहर मंदिर परिसर में कन्या भोज व ब्राह्मण भोज का आयोजन के साथ मंदिर के पुरोहितों समेत ब्राह्मणों को भोज के साथ ही ज्योति कलश रक्षकों को भोज कराकर उन्हें वस्त्र और दक्षिणा प्रदान की जाएगी। कन्या ब्राह्मण भोज के बाद दोपहर पूजन सामग्री के साथ पुजारी सभी ज्योति कलश कक्ष में प्रज्वलित मनोकामना ज्योति कलश की पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चारण के साथ ज्योति विसर्जित की गई। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। आज नवमी के दिन माता जी का पूर्ण राक्षी श्रृंगार होता है, जिसमें कानन है, कुंडल है, करधन है, पायल है, सारी पूरे जो सोने के श्रृंगार उनको किया जाता है। लगभग 3.5 किलो से ज़्यादा का सोने आज माता जी पहनती हैं। कल पूर्णाहुति के बाद माता जी के राक्षी श्रृंगार की तैयारी शुरू हो जाती है। उसके बाद सवेरे आरती के बाद बाजे गाजे के साथ माता जी का प्रसाद लेके धर्मशाला आया जाता है, जहाँ पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण भोज, तत्पश्चात फिर लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। आज माता जी को आप खुद देखे होंगे, क्या वैभव, क्या विराट रूप दिख रही है माता जी। मैं माँ महामाया से अनुरोध करूँगा कि जो भी उनके दरबार में आए हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी करें।